हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ था इसीलिए। सो एनीवेज़, आज मैं जा रही हूँ मुंबई, और वो भी वंदे भारत में। तो मैं वंदे भारत में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, इसीलिए मैं आज ये रिकॉर्ड करने वाली हूँ पूरा। तो मैं जा रही हूँ वडोदरा से मुंबई, और 4 बजे की मेरी ट्रेन है अभी। सो लेट्स गो। ये रेलवे डाक सेवा का डब्बा उठा के भाग रही है चोरी करके। तो यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है हमारा पानी, क्योंकि पानी का काम तो सिर्फ पानी ही करता है। तो आ चुका है हमारा नाश्ता, और नाश्ते में हमें दिया है इंस्टेंट प्रीमिक्स टी, और ये एप्पल जूस, उसके साथ में ये कचौरी है, क्योंकि यहाँ पे भाई ने ओपन कर दिया इसलिए मुझे पता चला कि इसमें कचौरी है। और साथ में हमें दिया ये गर्म पानी, और ये है चक्री, जो मेरी थोड़ी फेवरेट है। तो कचौरी तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ट्राई नहीं की थी, भाई ने की थी और उसे बहुत पसंद आई थी। यहाँ पे वॉइस ओवर करती मैं फिर से, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ था इसीलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर देते हैं। तो एनीवेज, मैंने सोचा था कि मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी इसका, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो सारे व्लॉगर्स कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत शर्म आ रही है इतने सारे लोगों में बोलने के लिए। और हम लोग यहाँ पे 1 घंटे में वडोदरा से सूरत पहुँच चुके हैं, तो फटाफट पहुँच चुके हैं, और इसके बाद वापी आएगा, और वापी के बाद सीधा आ जाएगा मुंबई। सो ये तो अराउंड 7 बजे जैसा हमारा डिनर आ चुका था, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है, तो इसे खोल के देखते हैं एक बार। तो इसमें था दाल, राइस, पनीर की सब्जी, 2 रोटी, अचार, और साथ में अमूल का दही था, और ये लास्ट में हमें बटर स्कॉच आइसक्रीम मिला था, जो खा के एकदम मज़ा ही आ गया। कुछ टूटा अंदर, कुछ टूटा, और हमारे स्वागत में आज बना है घर पे मिसल पाव, पूना मिसल, मिसल पाव। क्या कातला से तभी कुछ नहीं, और ट्रेन में ऑलरेडी इतना सारा खा लिया है, बट फिर भी पता नहीं क्यों आज अभी भी भूख है, वरना अगर घर पे रहते तो घर पे इतना सब कुछ खाने के बाद तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, बट यहाँ पे भूख लगी हुई है, क्योंकि अच्छा इतना अच्छा खाना बना रहा है। ये मेरी कजिन की भी और उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है अगर हम इसको वीडियो में ले, बट हम इसको 3 दिन में इतना परेशान करेंगे और बहुत सारा देंगे हम जी। और ये देखो
ऑनियन की वजह से इतना पानी, कब से कट के रखा है फिर भी। अभी हमने डिनर कर लिया है और मैं मेरी कजिन के घर पे रुकी हुई हूँ। तो लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा उनका घर। वैसे तो मुंबई में बहुत सारे फ्लैट, मतलब मोस्ट ऑफ द फ्लैट वैसे ही होते हैं, बट हम आउट ऑफ मुंबई के जो लोग होते हैं तो उनको ये बहुत ही, मतलब ये स्काईलाइन और वो सब देख के बहुत ही मज़ा आता है, कुछ नया लगता है। यहाँ के लोगों को नहीं लगता है बट हमको बहुत ही क्रेजी लगता है। तो यहाँ इस बिल्डिंग की मेरी जो सबसे फेवरेट चीज़ है, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सबसे फेवरेट चीज़ नहीं है बट ये व्यू, ये मेरे पीछे देखो व्यू। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं हम न्यूयॉर्क में या फिर कोई, मतलब आउट ऑफ इंडिया की कोई भी सिटी में है वैसा लगता है ये। और वाह, और पूरी तरफ, मतलब जहाँ भी जाओ यहाँ पे है, फिर ये इस तरफ है। सिटिंग एरिया भी मुझे यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है। और लुक एट दिस, और इस तरफ तो आई थिंक ये तरफ या किसी और तरफ, जब मैं सुबह आई थी तब तो यहाँ पे माउंटेन्स है, अभी नहीं दिख रहे होंगे ऑब्वियसली ये है, बट सुबह अगर मैं आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पे माउंटेन्स है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो 3 दिन मेरे बहुत अच्छे जाने वाले हैं यहाँ पे। और अभी इसके ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ से तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे तो ये फ्रेम की वजह से, ये जो फ्रेम है पीछे ये वाली, उसकी वजह से थोड़ा विजन थोड़ा डाइवर्ट होता है, बट इसके ऊपर के फ्लोर में तो बहुत अच्छा दिखता है। ये इसके ऊपर का फ्लोर है ये वाला, जहाँ पे अभी मेरा भाई है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं अभी। तो ये जो यहाँ के स्टेयर्स है, वहाँ पे चढ़ते टाइम थोड़ा सा, मतलब सर डर लगता है अगर नीचे देख लो तो। ये देखो, तो थोड़ा मैं नीचे देखना अवॉइड करती हूँ क्योंकि थोड़ा पहली बार जब चढ़ रहे हो ना तो थोड़ा चक्कर जैसा आ जाता है। तो अभी स्टेप से ही यहाँ का व्यू अमेजिंग। यहाँ पे तो अभी मैं ब्लर आ रही हूँ क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है, बट अभी पहले ऊपर जाते हैं फिर वहां से देखते हैं। देखा, अभी मैं शायद पूरी पूरी नहीं दिख रही, शायद क्या मैं दिख ही नहीं रही हूँ, ऑब्वियसली बहुत अंधेरा है यहाँ पे ऊपर पे, बट लुक एट दिस व्यू, माई गॉड। जहाँ जिस तरफ ऐसे ऐसे घूमो पूरी जगह खुली है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से स्काईलाइट। तो ये जो यहाँ पे मेरे पीछे जो है ये वाला, यहाँ पे माउंटेन्स है, अभी मुझे धुंधले धुंधले दिख रहे हैं बट ये कैमरा में अभी नहीं आएंगे तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी ये वाले। और इस तरफ जो है यहाँ पे पीछे हाईवे है यहाँ पे, तो सभी जगह दिखती है यहाँ से। और शायद अभी यहाँ पे पवन भी बहुत ज़्यादा होगा तो आपको मेरी आवाज़ शायद थोड़ी कटेगी, तो वो थोड़ा इग्नोर कर लेना। वो अभी टेरेस पर से निकल के हम लोग आए हैं यहाँ पे पार्किंग एरिया में, और पार्किंग एरिया में ये छोटे बच्चों के लिए जो झूले बनाए हुए हैं, वहाँ पे हमारे घर के छोटे बच्चे झूल रहे हैं पीछे, और उससे भी बड़े बच्चे उनको धक्का मार रहे हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हमारे। बहुत बहुत
पल सू लागे छे मैं पल देखा ये लड़की कभी जवाब नहीं देगी क्या क्या चाहिए बोल क्या चाहिए तो ये है मेरी सारी फ्रेंड्स और इसे मैं एक साल के बाद मिल रही हूँ। ये सभी कितनी ब्यूटीफुल है, इनके कलर्स माय गॉड, और स्पेशली ऑरेंज वाली तो बहुत ही अच्छी है। तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय।